हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और आजकल आपको पता है जैसे कि शादियों के सीज़न चल रहे हैं, तो बस आज भी मेरे कज़न की ढोलकी थी, सेकंड ढोलकी थी, तो मैंने बोला उसका व्लॉग आपके साथ शेयर करूं। हमने काफ़ी इंजॉय करा। बस ये मुझे बाज़ार के एक दो काम थे कि बाज़ार आ गए तो मारुख को अपने लिए एक पैंट लेनी थी और एक ड्रेस देखना था, तो हमें तो यहाँ पर समझ में नहीं आया। फिर मैंने बोला मारुख कहीं और देखेंगे, तो बस उसके बाद हमने दो तीन छोटी मोटी चीज़ें ली। आने के बाद मैंने बोला कुछ लाइट सा बनाते हैं, तो फिर मैंने बोला बच्चे तहारी शौक से खाते हैं, तो फिर मैंने उसकी तैयारी करी। टमाटर काटे, आलू काटे, फिर उसके बाद तहारी बनाना स्टार्ट करी। उसके भी आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि तहारी के लिए आप बस उसमें तो सिंपल मसाले डलते हैं, आपको पता है। सबसे पहले एक डेगची में थोड़ा सा प्याज लेंगे, एक प्याज लेंगे, उसे सौते करेंगे जीरे के साथ। उसके बाद उसमें हम क्या कहते हैं अपने आलू और टमाटर डाल देंगे साथ अदरक लहसुन के साथ। बस इसके बाद जब अदरक लहसुन आपका फ्राई हो जाए, तो फिर आप एक उसमें 1 टीस्पून हल्दी का डाल दें, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का डाल दें, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें, और उसके बाद सारे मसालों को आपस में मिक्स कर लें। बाद इसमें चावल डाल के देखें आप दम कर दें और आपकी खिली खिली और मज़ेदार सी तहारी तैयार है। इसको अचार के साथ खाएं दोपहर के टाइम, तो ये बहुत मज़े की लगती है, सबको बहुत पसंद आती है। बस शाम में मैं आपको पता है कि वॉक के लिए ज़रूर जाती हूँ, वॉक के लिए अपने लिए ज़रूर आप टाइम निकाला करें, भले आधा घंटा 20 मिनट जितनी आपसे हो सके उतनी वॉक ज़रूर किया करें, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी रहती है। आज मेरी बेटी ने शवरमा सैंडविच बनाया था, अच्छा रिजल्ट कर रहा था। ईमान आप ही आप अपना ये शवरमा सैंडविच मेरे लिए डिनर में बनाए आज, तो बता आज वो ट्राई कर रहे हैं। मैं रोटी खा रही हूँ और ये अशर शवरमा सैंडविच, बच्चे शवरमा सैंडविच खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। खुशबाश, आज हम निकल रहे थे सेकेंड ढोलकी के लिए, तो मैंने बोला आपको अपना दिखाऊँ ड्रेस वगैरह। और ये देखिए मैंने फ्रॉक पहनी और इसके साथ ये इयररिंग्स क्लिप्स वगैरह लगाए, तो बस ये हम रेडी, मैं रेडी हो गई हूँ ढोलकी में निकलने के लिए। चलें फिर मिलते हैं आपसे ढोलकी में। ड्रेस आपको दिखाऊँ, फ्रॉक्स भी वाली है ढोलकी के लिए, तो बस चलते हैं फिर। ढोलकी के लिए रेडी होने के बाद हम लोग निकल गए थे, और ये माशाल्लाह मेरी बेटी कार ड्राइव कर रही है, और फिर है ना हमने अपनी मेरी भाभी है उनको भी साथ अपने लिया, और बड़ा रास्ते में एंजॉय करते हुए हम ढोलकी में पहुंच गए, और वहाँ सबके साथ बहुत मज़ा करा, बहुत एंजॉय करा। और आपको पता है जब सब गेट टुगेदर होते हैं, एक साथ बैठते हैं, तो आपस में कितनी बातें चलती हैं, कितना मज़ा आता है, तो बस यही हम इंजॉय कर रहे थे एक दूसरे के साथ। खाने को इंजॉय करा, गानों को इंजॉय करा, डांसिस को इंजॉय करा, बच्चों ने खूब अच्छे अच्छे डांस करे उसमें। बिरयानी आ गई है, सब बिरयानी खा रहे हैं, खाना लग चुका है, ये खा रही है खाना बिरयानी, हमारी बिरयानी खा रही है बिरयानी। आया इधर देखें, खाने में लगे बाबा, खाने का ही मतलब होता है और क्या होता है, और इतनी अच्छी बिरयानी हो तो क्यों नहीं खाएंगे। और आपके बेटे की शादी है माशाल्लाह से, चलो भाई आपको बहुत मुबारक, खैर मुबारक, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक, थैंक यू, अल्लाह बस। यहाँ पर मेरी बहन बैठी है बड़ी, मैं बैठी हूँ, मेरी चच्ची बैठी हैं, और फिर ये लड़कों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय करा यहाँ पर। आप ठीक है? और भैया ये दिया सुल्तान।
पाकिस्तान का बड़ा जबरदस्त चैनल है, इसमें बड़े मजे मजे के ब्लॉग हमें देखने को मिलने हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इसके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जरूर, और नीचे बेल वाले आइकन पर जरूर बटन दबाएं। थैंक यू, आपको मजे मजे के ब्लॉग मिलेंगे। थैंक यू, उम्मीद है आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।